आज का हमारा टॉपिक है रूल ऑफ नाइन, जो कि आपने अपने बर्न्स सब्जेक्ट में पढ़ा होगा। बर्न्स में हम लोग हमेशा रूल ऑफ नाइन कैलकुलेट करते हैं। जब भी हमारे कोई पेशेंट आता है जिसको बर्न इंजरी हुई है, तो सबसे पहले हमें उसका टोटल बर्न सरफेस एरिया कैलकुलेट करना होता है, TBSA। टोटल बर्न सरफेस एरिया क्या होता है कि उसकी बॉडी का कितना पार्ट बर्न हुआ है, तो उसका सरफेस एरिया कैलकुलेट करना है। और ये क्यों कैलकुलेट करना है हमें? फर्दर फ्लूइड कैलकुलेशन के लिए, कि कितना फ्लूइड पेशेंट को देना है। क्योंकि बर्न पेशेंट्स में सबसे मेन प्रॉब्लम ये होती है कि फ्लूइड ओवरलोड हो सकता है। अगर हमें बर्न सरफेस एरिया का नहीं पता, तो फ्लूइड ओवरलोड हो सकता है, इलेक्ट्रोलाइट इम्बेलेंसेज हो सकते हैं। तो उसके लिए हमें टोटल बर्न सरफेस एरिया पता होना चाहिए, जो कि हम कैलकुलेट करते हैं विद द हेल्प ऑफ रूल ऑफ नाइन। सो हेयर यू कैन सी इट इज़ द इंटीरियर पार्ट ऑफ द ह्यूमन बॉडी एंड इट इज़ द पोस्टीरियर पार्ट ऑफ ह्यूमन बॉडी। तो ह्यूमन बॉडी के इंटीरियर और पोस्टीरियर पार्ट पे हम लोग बर्न सरफेस एरिया को मेजर करते हैं। तो रूल ऑफ नाइन हमने नाम इसलिए दिया है क्योंकि हर चीज़ को हम 99 के परसेंटेज में देख रहे हैं। जो पूरा हैंड है, लाइक यहाँ शोल्डर से लेके हमारा पूरा एक हाथ है, इसे हम 9% कैलकुलेट करते हैं आगे और पीछे से। तो जब हम इंटीरियर पार्ट ले रहे हैं तो 9 का हाफ 4.5% हो जाएगा, पोस्टीरियर हाफ लेंगे तो 4.5% हो जाएगा। तो एक हाथ हमारा पूरा टोटल 9 एंड दूसरा हाथ हमारा पूरा टोटल 9 हो जाएगा। तो 9 9 हैंड एंड जो हमारा लोअर लिम है, जो पैर है, यहाँ से लेकर पूरा थाई से लेकर पूरा फुट तक, ये हमारा आगे से 9% पीछे से 9%, तो ये हमारा टोटल 18%। एक लोअर लिम जो है हमारा, वो टोटल 18% का बनता है। उसके बाद आगे हम चेस्ट एरिया पे आ जाते हैं, तो ये जो चेस्ट एरिया होता है वो खुद 9% का है। उसके बाद जो एब्डोमेन एरिया है, ये 9% का हो जाता है। एंड दी ओके तो चेस्ट और एब्डोमेन दोनों 9% हो गए, तो टोटल इंटीरियर सरफेस जो है वो 18% का हो गया टोटल ट्रंक। और बैक साइड में भी टोटल जो हो जाता है वो 18% का हो जाता है। ओके तो ये आपको समझ आ गया। उसके बाद रूल ऑफ नाइन में एक और चीज़, ये जो हेड है आपका, हेड और नेक, ये दोनों ही आपका पूरा टोटल 9% में आता है। तो आगे से 45% और पोस्टीरियर पार्ट जो होता है वो 4.5%। ओके एंड देन उसके बाद आ जाता है हमारा पेरिनियल एरिया। पेरिनियल एरिया जो है ये 1% में आता है। ओके सो ये टोटल मिला के आपका जो है वो 999% की कैलकुलेशन बन जाती है। यू कैन सी हेयर ऑल्सो, यहाँ पे आपका ये 9% आपका थॉरेक्स हो गया है। थॉरेक्स के बाद 9% एब्डोमेन, उसके बाद आपका पेरिनियल एरिया, देन 9% इंटीरियर पार्ट। ये सिर्फ इंटीरियर पार्ट दिखाया जा रहा है। 9% आपके लोअर लेग्स, 4.5% हैंड एंड पूरा 4.5% आपका जो स्कल और नेक हो जाएगा। देन ऐसे ही पोस्टीरियर पार्ट में हो जाएगा सारा। उसके बाद यहाँ पे कुछ पॉइंट्स लिखे हैं जो कि आप याद कर सकते हो, कि एंटायर हेड और नेक जो होता है वो 9% होता है। रूल ऑफ नाइन इसका नाम पढ़ा ही इसलिए है क्योंकि सारा का सारा आप यहाँ पे देख सकते हो कि 9% 9% 9%, मतलब इस तरह से बन रहा है आपका पूरा। तो ये पूरा 100% बन जाता है। राइट आर्म पूरी की पूरी 9%, लेफ्ट आर्म पूरी की पूरी, इंटीरियर पोस्टीरियर दोनों की बात हो रही है तो 9%,